आज के क्लास में हम बात करेंगे यदि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, y बराबर कॉस एक्स स्क्वायर है, y बराबर टेन एक्स स्क्वायर है, y बराबर कॉट एक्स स्क्वायर है, y बराबर सिक एक्स स्क्वायर है और y बराबर कॉसिक एक्स स्क्वायर है, तो इस टाइप के फंक्शन का डीसी हम लोग कैसे निकालते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आइए एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता देंगे तो बाकी सब क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसका देखिए, दिया है वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पे दिख रहा है कि हमको क्या निकालना है, डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। तो जब भी डीवाई बाई डी एक्स निकालना होता है तो हम लोग जनरली क्वेश्चन को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहां पर देखा जाए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो इधर भी d बाई डी एक्स लगेगा और इधर भी d बाई डी एक्स लगेगा, तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y और इधर होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y का dc x के रेस्पेक्ट में सीधे डीवाई बाई डी एक्स होगा, तो यहां पर हम डीवाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ये हो गया आपका डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये साइन एक्स स्क्वायर का डीसी हमको x में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का डीसी पहले एक्स स्क्वायर में और तब एक्स स्क्वायर का डीसी x में निकालेंगे, है ना। देखिए यहां पर लिखेंगे d बाई डी, पहले पूरे फंक्शन को लिखिए, यानी साइन एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए, पहले को मिटाइए, क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डीसी, फिर लिखेंगे d बाई डी, है ना, और इस एक्स स्क्वायर का डीसी निकालना शुरू करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का निकालिएगा, तो यहां से पहला फंक्शन स्क्वायर इसको डिलीट करेंगे तो क्या बच रहा है एक्स बच रहा है, यानी कि इसको तब तक घुमाया जाता है कि जब तक कि एक्स के रेस्पेक्ट में न आ जाए। पहले पूरे फंक्शन को लिखेंगे, पहले को मिटाएंगे तो क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डीसी, फिर एक्स स्क्वायर का अगले स्टेप में, फिर यहाँ पे पहला फंक्शन स्क्वायर इसको मिटाएंगे तो क्या बच रहा है एक्स, तो यानी एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या है कि साइन एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स स्क्वायर में, तो आपको बतलाया गया है कि साइन एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो साइन एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में सीधे होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ एक्स है इसलिए यहाँ पे एक्स है, साइन का तो कॉस होता है, ये सीधे कॉस हो गया साइन से कॉस, लेकिन यहाँ पे एक्स है, एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पे भी एक्स ही होगा। यदि यहाँ पे कहा जाए कि साइन वाई का डीसी वाई में चाहिए, तो साइन का तो सीधे कॉस हो गया, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है वाई है दोनों जगह, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे वाई ही लिखेंगे। वैसे ही साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में, तो साइन का तो सीधे कॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स स्क्वायर में कॉस एक्स स्क्वायर। उसके बाद अब एक्स स्क्वायर का डीसी कैसे निकलेगा, तो एक्स के पावर एन वाले फॉर्मूला से, यानी एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी ये हो जाएगा टू इंटू एक्स के पावर टू माइनस वन, तो 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस वन, यानी 2 इंटू एक्स के पावर 1, यानी सीधे 2x लिख दीजिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यही जो रिजल्ट आया सो आपके डीवाई बाई डी एक्स का रिजल्ट है, ठीक है। तो ये तो हम रफ किए, आप लोग बात समझ ही गए होंगे, तो यही इसका सॉल्यूशन आया। इसी पैटर्न पे और भी आप क्वेश्चन चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, एक आइए इस पर एक और क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कॉस वाला है तो इसी पैटर्न पे सीधे बन जाएगा, ये टेन वाला एक देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वाई बराबर टेन एक्स स्क्वायर, तो इसका डीसी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे इसमें कि लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर,
यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, ये देखिए तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाई, और इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा तो y का dc x के रेस्पेक्ट में सीधे dy बाई डी एक्स होता है ना, और इधर हम लोग को चेन बनाना पड़ेगा, तो आइए चेन बना लेते हैं। हो जाएगा d बाई डी, पहले तो पूरे फंक्शन को लिख देंगे यानी टेन एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे, पहले को मिटाइए क्या बच रहा है तो एक्स स्क्वायर, यानी इस पूरे फंक्शन का dc एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, यहाँ तक ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का dc अगले स्टेप में निकालेंगे, तो यहाँ देखिए फिर लिखेंगे d बाई डी, ये एक्स स्क्वायर का dc निकालिएगा तो पहला फंक्शन इसमें स्क्वायर, इसको डिलीट कीजिए, क्या बच रहा है x, यानी x के रेस्पेक्ट में dc निकाला जाएगा, तो टेन एक्स स्क्वायर का dc x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में और x स्क्वायर का dc x के रेस्पेक्ट में। तो आप तो जान ही रहे हैं कि टेन एक्स का dc x के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन का तो सीधे sec स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है फंक्शन में तो x स्क्वायर रहते हैं, x स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का dc x में क्या होता है, 2x होता है, 2x लिखिए यानी 2x इंटू sec स्क्वायर x स्क्वायर, यही आपका dy बाई डी एक्स का रिजल्ट है, बात समझ गए ना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं फिर आगे की तरफ देखते हैं। और भी अब जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जैसे y बराबर साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो, टेन स्क्वायर एक्स हो एंड सो ऑन, कॉसिक स्क्वायर एक्स हो, तो इस टाइप के फंक्शन का डीसी हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे साइन एक्स स्क्वायर का डीसी, कॉस एक्स स्क्वायर का डीसी, लेकिन अब पढ़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इस टाइप के फॉर्म में हो तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए y बराबर दिया है साइन स्क्वायर एक्स हो, y बराबर ये कॉस स्क्वायर एक्स हो, तीन नंबर में देखिएगा y बराबर टेन स्क्वायर एक्स हो, चार नंबर में y बराबर कॉट स्क्वायर एक्स हो, पाँच नंबर में y बराबर सेक स्क्वायर एक्स हो, और छः नंबर में दिया है y बराबर कॉसिक स्क्वायर एक्स हो, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिख दिए, इसमें एक क्वेश्चन हम बना देंगे तो बाकी सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देखिए, तो आइए एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स और कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, आप इसका dy बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसमें लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि दोनों तरफ हम लोग d बाई डी एक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ये y, और यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, देखिए ये साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x इज रिटन एज साइन x का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग, ये साइन स्क्वायर x है तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिए d बाई डी एक्स ऑफ कितना साइन x का होल स्क्वायर। अब तो आप समझ गए होंगे, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, तो y का dc x में सीधे ही dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सीधे लिख दीजिए dy बाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन अब जो है इसको हम लोग चेन बना करके बनाएंगे, ठीक है। सो देखिए लिखेंगे d बाई डी, पहले पूरे फंक्शन को लिखिए यानी कि sin x के होल स्क्वायर को लिख दीजिए। अब इसमें पहले फंक्शन को डिलीट कीजिए, तो पहला फंक्शन इसमें क्या है, स्क्वायर है, पावर है, इसको मिटा दीजिए, इसको हटाइए, क्या बच रहा है साइन एक्स बच रहा है, तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डी सी निकाला जाएगा। फिर लिखेंगे हम लोग डी बाई डी,
ठीक है, और इस साइन एक्स का डीसी निकालेंगे हम लोग अगले स्टेप में। तो यहां लिख दीजिए साइन एक्स को, ठीक है, साइन एक्स है तो इसमें पहला फंक्शन क्या है, साइन, क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डीसी निकाला जाएगा, यानी तब तक इसको घुमाया जाता है जब तक कि ये एक्स के रेस्पेक्ट में न आ जाए, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स के होल स्क्वायर का डीसी साइन एक्स के रेस्पेक्ट में और साइन एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला पढ़े होइएगा, तो एक्स के पावर एन का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। तो उसी पैटर्न पे इसको हम सेट करेंगे, साइन एक्स के होल पावर टू का साइन एक्स में, तो हो जाएगा टू इंटू साइन एक्स के पावर टू माइनस वन, एक्स के पावर एन का डीसी होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, इसी फॉर्मूला पे इसको एडजस्ट किया गया है। और देखिए साइन एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में तो कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे सीधे कॉस एक्स लिख दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा सीधे कॉस एक्स, और सजाइएगा तो हो जाएगा टू इंटू साइन एक्स के पावर ये वन हो जाएगा और इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो देखिए साइन एक्स के पावर वन लिखने का मतलब साइन एक्स ही है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे टू साइन एक्स इंटू कितना, कॉस एक्स, और आप ये भी जानते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसको हम आसानी से साइन 2x लिख सकते हैं 11th क्लास के कंसेप्ट से, तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन 2x, यही जो आया सो आपके dy बाई डी एक्स का रिजल्ट है, समझ रहे बात को। तो आप इसका एक तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन है जैसे y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स है या टेन स्क्वायर एक्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इसी पैटर्न पे करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि y बराबर यदि साइन स्क्वायर एक्स है या y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है तो इसका डीसी हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों में क्या अंतर है, सो आप समझ गए। अब आइए एक और क्वेश्चन इस पर देख लिया जाए, टेन वाला बता देते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है y बराबर टेन स्क्वायर एक्स, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स है तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो लिख दीजिए पहले y बराबर ये टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर, तो यहां पर होगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ लिख दीजिए d बाई डी एक्स, तो इधर होगा d बाई डी एक्स ऑफ y और इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो y का dc x के रेस्पेक्ट में सीधे dy बाई डी एक्स होगा, और इधर देखिए टेन एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो टेन एक्स का होल स्क्वायर है तो इसका dc पहले किसके रेस्पेक्ट में, टेन एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर टेन एक्स का डीसी किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, चेन बना के बनाना होगा। पहले लिख दीजिए डी बाई डी को, पहले पूरे फंक्शन को लिखे, यानी टेन एक्स के होल स्क्वायर को लिखेंगे, पहले फंक्शन को मिटाएंगे यानी पावर को मिटाएंगे, तो क्या बच रहा है, टेन एक्स बच रहा है, तो यानी टेन एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर लिखेंगे डी बाई डी, और इस टेन एक्स का डीसी किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो x के पावर n का dc x के रेस्पेक्ट में n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे n की जगह पे कितना है, दो है, तो n की जगह पे टू को पुट करके बना लीजिए, तो हो जाएगा ये टू इंटू एक्स, एक्स यानी यहाँ पे टेन एक्स के पावर n माइनस वन यानी टू माइनस वन, और टेन एक्स का dc x के रेस्पेक्ट में सीधे हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, टू जैसे का तैसे, ये हो जाएगा टेन एक्स के पावर वन, तो यहाँ पर लिख दीजिए टू इंटू टेन एक्स के पावर वन इंटू, ये हो जाएगा सीधे सेक स्क्वायर एक्स, और सजाइए टेन एक्स के पावर वन यानी सीधे टेन एक्स भी लिख सकते हैं उसको हम, तो ये टू इंटू टेन एक्स हो जाएगा, और ये क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, तो रहने दीजिए टेन
टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यानी फाइनली इसका रिजल्ट हो गया 2 इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहीं पे छोड़ दीजिए, यही जो रिजल्ट है सो इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप इसका एक तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पैटर्न पे और भी कुछ क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, सो देखिए, दिया है क्वेश्चन में y बराबर रूट अंडर साइन एक्स, दो नंबर में y बराबर रूट अंडर कॉस एक्स, तीन नंबर में दिया है y बराबर रूट अंडर टेन एक्स, चार नंबर में y बराबर रूट अंडर कॉट एक्स, पांच नंबर में y बराबर रूट अंडर ये sec x, और छह नंबर में y बराबर रूट अंडर cosec x दिया है। तो इसी का हम लोग को डिफ्रेंसिएशन चाहिए, यानी dy बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो आइए एक एक करके इसको हम बनाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं कि y बराबर रूट अंडर साइन एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो यहां पे लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर साइन एक्स। तो वाई का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में सीधे ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, और रूट अंडर साइन एक्स जो आप देख रहे हैं तो रूट अंडर साइन एक्स का डीसी पहले हम निकालेंगे साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, तब साइन एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। ठीक है, देखिए पहले लिखिए डी बाई डी को, पहले पूरे फंक्शन को उठा करके नीचे लाइए, यानी रूट अंडर साइन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ना, और इसमें जो बच रहा है पहले फंक्शन को हटाइए तो क्या बच रहा है साइन एक्स, तो यानी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी, फिर लिख देंगे डी बाई डी जिसके रिस्पेक्ट में आप निकालें इसका अगले स्टेप में, यानी साइन एक्स का निकालना है। तो साइन एक्स है तो इसमें सबसे पहले क्या है साइन है, इसको मिटाएंगे तो क्या बच रहा है एक्स बच रहा है, यानी इसका डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी रूट अंडर साइन एक्स का डीसी पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में और साइन एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, देखिए तो आपको बताया गया है कई बार कि यदि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो तो रूट एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में वन बाई टू रूट एक्स होता है ना। जब रूट एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में वन बाई टू रूट एक्स होता है तो रूट वाई का डीसी वाई के रिस्पेक्ट में 1 बाई टू इंटू रूट अंडर वाई होगा। रूट जेड रहे जेड के रिस्पेक्ट में डीसी निकालना हो तो 1 बाई टू इंटू रूट जेड होगा, यानी कि यहां पे जो रहेगा ना और यहां पे जो रहते वही चीज यहां भी रहेगा, तो वही चीज हमको यहां भी लिखना है 1 बाई टू इंटू रूट अंडर फिक्स है कि रहेगा। यहाँ पे x है तो x लिखाएगा, y रहेगा तो y लिखाएगा, z रहेगा तो z लिखाएगा, sin x रहेगा तो sin x लिखाएगा, जो रहेगा वो लिखाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए sin x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट एक्स का dc 1 बाई टू इंटू रूट अंडर, ये तो फिक्स है कि इतना रहेगा। x था तो x आप लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है sin x है तो यहाँ पे sin x लिखाएगा, उसके बाद साइन एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा सीधे कॉस एक्स। ठीक है, तो ये किसका रिजल्ट है डी वाई बाई डी एक्स, और आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स बाई टू इन टू रूट अंडर साइन एक्स, यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर। तो तेज से आप इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए और आइए एक टेन वाला क्वेश्चन बना देते हैं उसको भी देखिएगा।
देखिएगा वाई बराबर दिया है रूट अंडर टेन एक्स, तो ये कैसे बनेगा? तो वैसे ही सबसे पहला काम हम ये करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाई और ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो y का dc x के रेस्पेक्ट में सीधे dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे तो हम लोग चेन बनाएंगे तो बनेगा, है ना। तो देखिए चेन कैसे बनता है, d बाई डी पहले पूरे फंक्शन को लिखिए, यानी रूट अंडर टेन एक्स को लिख देंगे। पहला फंक्शन रूट है, इसको मिटाइएगा तो क्या बच रहा है, टेन एक्स बच रहा है, यानी टेन एक्स के रेस्पेक्ट में dc निकालेंगे। फिर लिखेंगे d बाई डी इस टेन एक्स का dc अगले स्टेप में। तो टेन एक्स का निकालना है तो टेन एक्स का dc किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, हो गया रूट अंडर टेन एक्स का dc टेन एक्स के रेस्पेक्ट में, और टेन एक्स का dc x के रेस्पेक्ट में। तो रूट एक्स का dc x के रेस्पेक्ट में वन बाई टू रूट एक्स होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रूट अंडर टेन एक्स है तो इसका dc क्या होगा, वन बाई टू इंटू रूट अंडर, यहाँ पे टेन एक्स है तो हम लोग कितना लिख देंगे, टेन एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों जगह पे सेम नंबर होता है, यहाँ जो रहेगा वही चीज हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं। और टेन एक्स का dc x के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए sec स्क्वायर x को सजा कर लिखिएगा तो हो जाएगा वन इंटू sec स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर x बाई में कितना होगा, टू इंटू रूट अंडर टेन एक्स, और यही जो रिजल्ट आया सो आपके dy बाई डी एक्स का आया है, ठीक है। तो आप इसका एक तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। और यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप मेरे इस नंबर को सेव कर लीजिए, 8936070140 DK मिश्रा सर मोतिहारी करके नंबर ऐड कर लीजिए। कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप के जरिए बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नंबर नोट कर लीजिए, कोई भी DPP में प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी, या कोई असाइनमेंट आपको नहीं मिला है तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको हम असाइनमेंट भेज देंगे, ठीक है। तो बाबू आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।